हेलो डियर स्टूडेंट दिस इज़ सज्जाद अहमद खान योर ऑनलाइन इंग्लिश टीचर एंड द फाउंडर ऑफ ब्रिलियंट इंग्लिश एकेडमी डियर स्टूडेंट लॉकडाउन को नव्वे दिन होते आ रहे हैं और आपके टीचर्स आपको ऑनलाइन टीचिंग करवा रहे हैं वेरियस एप्स का यूज़ करके या यूट्यूब चैनल बनाकर आपको वो रोज़ाना कुछ ना कुछ असाइनमेंट दे रहे हैं ताकि आप घर बैठे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें सो आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द टीचर्स एंड द स्टूडेंट जो अपने टीचरों की बात सुनकर वर्क को कर रहे हैं बिकॉज टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दो वी हा फेसिंग लॉकडाउन और अनलॉक द है ऑन द वर्ल्ड स्पेशली ऑफ करोना बट प्यारे बच्चों आई रिमेंबर वन शेर ऑन दिस ऑकेजन डियर स्टूडेंट दुष्यंत कुमार का ये शेर है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है परों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है तो डियर स्टूडेंट डोंट बी पैनिक हम आपको पढ़ा रहे हैं आपके ऑनलाइन इंग्लिश टीचर एंड द फाउंडर ऑफ ब्रिलियंट एकेडमी। सो प्लीज़ लॉग इन टू माय चैनल एंड एंजॉय ऑल दी एपिसोड्स ऑन योर एच इंग्लिश टेक्स्ट बुक प्यारे बच्चों इफ यू आर डूइंग वर्क एट होम और ऑन प्लेग्राउंड इफ यू आर ऑन युअर फील्ड चाहे आप अपने खेत में काम कर रहे हो तुम्हें कुठे पारा वसूं नाल कि धुरावर अभ्यास करत करा कि प्रवास करत दुकान चालवत कराल कुकन चलवत आई बाबाला हेल्प करत करेल कुचनमदे काम करील तो तिथे तुम्हें यूट्यूब चैनल ब्रिलिएंट इंग्लिश अकेडमी लाइन आपला अभ्यास करू सो लेट्स सी 2.2 सेक्शन टू द पोएम ऑफ द ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट द नाइट एंगल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू 2.2 पॉइंट टू इंडियन वीवर्स सो डी स्टूडेंट बिफोर गोइंग टू दैट पोएम वी हैव सम आइस ब्रेकर्स एंड लेट्स crack icebreaker first. Uh, i read an icebreaker and you will try to answer it. artisans. artisans means karagir, shilpkar, painter or some, something like that. artisans are also called craftsmen. they are creators of diverse good and use their hand to create unique, functional and also decorative item.

Very good. Blacksmith Lohar, carpenter Sutar, painter Painter Chitrakar, and photographer Chaya Chitrakar. These are the artisans. Very good answer, Sania. And the second activity is that discuss with your partner seasons and occasion when we need. Here you have given the types of clothes that we wear in particular season. So, read one by one. I ask you, Imros, let me know your answer. I read first the questions or the activity. A woolen clothes. Winter. In winter, we use. Very good. Second, casual clothes. Home or playground. Very good. Casual clothes we are using at our home or a playground. And third, rich silk clothes. Marriages. Yes, of course, we use. Read silk clothes like petani sarees or silk sarees and last D, colorful or comfortable clothes when we use it traveling traveling very good and party party or kitty party yeah. and a picnic very good very good answer and now we are moving toward the third icebreaker that is i read that third icebreaker let's play a game the teacher will ask the students

and last second one who sing is a singer very good prashant singer one who dance is a dancer. dancer very nice answer one who teaches is a teacher wow very good answer and the last one who cook is a chef, chef not a cooker <laughs> not a cooker that is a chef or a cook very good and we are turning toward the next activity that is we have often sees the picture ऑफ गांधीजी स्पिनिंग ऑन इस चरखा आपण सर्वांनीच बघितलं असेल की जेव्हा कधी आपण गांधीजी बद्दल त्यांचे चित्र वगैरे बघ बग, बघतो तेव्हा बहुतेक वेळेस ते चरखा चालविताना दिसतात द फादर ऑफ नेशन डिस्कस द रीझन बिहाइंड धिस वन हॅज बीन गिवन फॉर यू आता गांधीजी त्यावेळेस स्वतंत्रपूर्व काळात चरखाचा उपयोग का करत होते आपण युरोपमधून किंवा इंग्लंडमधून येणाऱ्या कपड्याची होळी केली होती आणि आपण नॉन कॉपरेशन मुवमेंट सुरू केलं होतं असहकार आणि त्याच्यानंतर भारतीयांनी गांधीजींनी भारतीयांना आवाहन केलं होतं कारण गांधीजीचं म्हणणं होतं की भारत हा खेळ्यात राहतो इंडिया लिव्ज इन विलेजेस अँड मोस्टली सेवंटी पर्सेंट ऑफ इंडियन विलेजर्स आर इंडियन विलेजर्स म्हणजे सत्तर पर्सेंट लोक आजही जवळपास भारतात हे खेळ्यात राहतात जर आपल्याला भारताची प्रगती करायची असेल तर खेड्याची प्रगती करणे आपल्याला आवश्यक आहे त्यामुळेच खेड्याकडे चला असा मंत्रही कधी कधी दिला जातो आणि ग्रामीण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी गांधीजींनी चरखा त्यावेळेस सूत कातून त्या त्यापासून आपण कापड तयार करत होतो पर व्हॉट आर द ऑब्जेक्टिव्ह बिहाइंड दॅट स्पिनिंग द क्लोथ्स ऑन चरखा व्हॉट इज द मोटिव्ह ऑर द मोटिव्ह ऑफ द महात्मा गांधी हिअर वी हॅव गिव्हन ए टू गिव रूरल पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न देअर लाइवलीहुड जैसे गाँव रोजगार चालवने सा जीवनमान चाल उनकी जिंदगी को गुजर बसर करने के लिए एक ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है देन आई गिव यू देर आर थ्री ऑप्शन्स टू लेट मीन नो यूर एंसर आई आस रमीज यस यू हैव एनी आंसर रिगार्डिंग दैट टू बी सेल्फ डिपेंडेंट वेरी गुड टू बी अ सेल्फ इंडिपेंडेंट टू गिव मार्केट टू हैंडीक्राफ्ट टू गिव मार्केट टू देंडीक्राफ्ट वेरी नाइस टू इम्प्रूव रूरल इकोनॉमी टू इंप्रूव रूरल इकोनॉमी वेरी नाइस एंड श्योर यू आर एन एक्सलेंट स्टूडेंट ऑफ अवर क्लास आत्मनिर्भर मोदी जी ने भी अभी मंत्र दिया है कि हम सबको आत्मनिर्भर होना है गांधी जी ने उन्नीस सौ बयालीस में यह दे दिया था और ये बहुत ही अच्छी बात है सो वी इम्प्रूव अवर इकोनॉमी बाईट वी कैन यूज़ अवर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम मेड आइटम्स सो हस्तकला यानी हस्तोद्योग याला बढ़ावा मिलेगा और उससे हमारे गांव की इकोनॉमी बढ़ेगी वेरी नाइस आंसर, यस एनी बड़ी यस एनी अदर आंसर दैट यू वुड लाइक टू शेयर यस लेट मी आई टेल यू अवर इकोनॉमी ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू स्वदेशी एंड सच काइंड ऑफ थिंग दैट वी हैव अप्लाई टू अवर लेजेस सो डियर स्टूडेंट वेरी गुड एंसोर नाउ वी आर टर्निंग टूअर्ड दस्ट एक्टिविटी दैट इज हियर आई हैव गि यू नेम समूल यूज बाय दीवर्स अतः बुनकर जो है बुनकर जो होता है वो कौन कौन से टूल का कौन कौन से साहित्य का यूज करता है लेट मी नो योर एंसोर सानिया लूम सी वेरी गुड वेरी नाइस एंसोर लू जिसको हम हथकरघा वगैरह बोलते हैं जो एक एपराटस होता है जिससे जिस पर हम कपड़े को बूंदते वगैरह है एंड सेकंड व्हाट यू से सेकंड थिंग सीजर कैची का इस्तेमाल करता है देन मेजरिंग टेप टेप लगता है उसको कि कितने बाय कितने का कपड़ा उसको काटना है देन नीडल्स अल्सो दे यूज सो दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स और द टूल दैट अवर वी वर यूज इन डे टू डे लाइफ एंड हियर वी हैव द लास्ट एक्टिविटी दैट इज नेम टाइप्स ऑफ यान मीन्स वो कपड़ा और वो सूत जिसको हम बोलते बोलते हैं यूज बाय द वीवर्स तो वो कौन सा सूत और कपड़े होते हैं या उसके क्वालिटी या उसका टाइप क्या होता है क्या आपको पता है जैसे यहाँ पर एक दिया है वट इज़ गिवन देयर लेनिन इज़ गिवन देयर लेनिनिनिन एक बहुत ही फेमस शर्ट के कपड़े होते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ और सिल्की होते हैं एक ज़माने में ढाका की मलमल भी बहुत ही मशहूर थी यस uh, एनीबड़ी yes, स यू सिल्क एंड कॉटन सिल्क एंड कॉटन सिल्क आपको पता है रेशम या रेशम जिसको कहा जाता है एंड कॉटन जो हमारे कॉटन या कपास या कापूस जिसको हम बोलते हैं तो इससे भी कपड़े को वो बुना जाता है सो दीज आर दी एक्टिविटीज दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म थैंक यू वेरी मच क्लास यू आर ऑल वेरी वेल बट दीज आर दी आइस ब्रेकर सो लेट सी अबाउट द ग्रेट पोएटर्स ऑफ आर कंट्री दैट इज सरोजिनी नायडू Here we have Sarojini Naidu's an introduction. She had born in 1879 and she was died in 1949. Means after two years of our independent, she was a political activist, ek rajnitik activist the feminist, स्त्रीवादी lekhika and the first Indian women who became the president of the Indian Congress, Indian National Congress. So प्यारे बच्चों आपको पता होगा ये पहली हमारी महिला है हिंदुस्तानी महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडूज़ वर्क एज ए पोएट अर्न हर सॉब्रिकेट ऑफ नाइट एंगल इन इंडिया सॉब्रिकेट मीनस टोपन नाव पेन नेम या उर्दू में इसको तखल्लुस कहा जाता है तो नाइट एंगल ऑफ इंडिया द कोयल ऑफ इंडिया नाम से सरोजिनी नायडू एज ए पोएट्स सारी दुनिया में जानी जाती है लेटर शी बिकेम द गवर्नर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविनेस इन 1947 फोर्टी सेवन एंड बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इन इंडिपेंडेंट इंडिया तो ती सर्वात प्रथम राज्यपाल मनु ही स्वतंत्र भारत की एक महिला मन झाली होती तो दैट्स इज नाव इंडियन व्वर्स इज अ शॉर्ट पोएम वेर द पोएट टॉक्स अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ़ गार्मेंट मीन्स एक खूब लघु कविता है जात तीन अंग वस्त्र क्योंकि जो हम लोग कपड़े पहनते हैं तीन अलग अलग स्टेज में तीन अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ में उसके बारे में ये है ईच स्टैंडो ऑफ द पोएम रिप्रजेंट द थ्री इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ जैसे बर्थ चाइल्डहुड बचपन सेकेंड एडल्टुड लड़कपन युवा आ, एंड थर्ड That is death, old, moth, buddhapa. The color mentioned in the stanzas are very significant as they indicate the moods or the related to the events. So, dear student, while you are listening, enjoying this stanza, you observe three times are indicated, three uh, clothes are indicated, and three Pictures of the nature, that is night, morning, and a peaceful atmosphere or a moonlit, is mentioned in the poem. The symbolical of these three things are very much important. Dear viewers, let's enjoy the poem of Night Angle, that is Indian Weavers. The first stanza Indian Weavers, weavers. विविंग एट अ ब्रेक ऑफ अ डे वाई डू यू व्यू अ गार्मेंट्स सु गे वाई डू यू व्यू अ गार्मेंट्स शू गे ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्सियन वाइल्ड वी व्यू द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड डियर स्टूडेंट वीवर्स विविंग अ ब्रेक ऑफ द डे इट मीन्स बुनकर जो है वो सुबह के वक्त इन द टाइम ऑफ मॉर्निंग सकाचार वेला कापड़ बुनतो है वाई डू यू व्हि अ गार्मेंट सो गे ते गार्मेंट आणि कापड जे आहेत त्याच्याबद्दल पोयट पोएट्रेसने इथे सांगितलं आहे ब्लू ॲज द विंग्स ऑफ हेल्सिओन वाईल्ड हेल्सिओन मीन्स एक पक्षाचं नाव आहे खंड्या ज्याचा निळा कलर आणि अतिशय तो चमकदार असतो ग्रीन अँड ब्लू वी व्ह्यूज द रोप्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाईल्ड ने जब बुनकर को पूछा कि आप क्या बुन रहे हो सुबह सुबह के वक्त तो उसने कहा कि मैं एक छोटे बच्चों के लिए एक नया रोब एक नया कपड़ा उसके लिए बुन रहा हूं तो यह सुबह जो है यह चमकदार है जैसे उस बच्चे का होना द पोएम वीवर्स वीविंग एट अ फॉल ऑफ नाइट वाई डू यू वीव अ गार्मेंट सो ब्राइट लाइक पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन We views the marriage well of a queen. It means the night time, the weavers weaving attractive garments in a purple and a green like the plumes of a peacock. When the poetess asked the questions, they tell it is a marriage well of a queen. This suggested

कि वह मोरा प्रमाणे मोरपंखी कलर का पर्पल ग्रीन, मोर कलर आ ग्रीन मोरपंखी कलर से वस्त्र मी बुनते है कारण हे, हे मी एक साड़ी एक तरुणी एक राणी लग्नास एक वेल जिसको हम घूंघट बोलते हैं या घूंघटा जिसको बोलते हैं या घूंघट जिसको बोलते हैं या वेल या जिसको नकाब भी कहा जाता है तो वो बुन रहा था दैट इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव एंड लाइक अ प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक जो मोर के परों के जैसा चमकीला था यहाँ पे राइटर ने अब यूथ को इंडिकेट किया है उसके साथ उसने ब्राइट कलर को यूथ किया है जैसे एनर्जेटिक होता है तारुण्य एक और ये जो जवानी होती है ये बहुत ही इन्जॉयबल होता है अपने लाइफ का गोल्डन मोमेंट होता है एक सुनहरा पल होता है तो उस रानी के लिए उसकी शादी के लिए वो वस्त्र वहाँ पर बूँद रहा है

इट इज लाइक अ मून लाइट झील जैसे रात का चांद का उजाला है लेकिन शांत है देन इट लुक्स लाइक अ फीदर सॉफ्ट फीदर जैसे परोके जैसे सफेद परो के जैसे या क्लाउड्स बादलों की उपमा उसको दी गई है वी व्यूज एज अ डेड मैन फ्यूनरल श्राउट तो पता चला कि बुनकर गमगीन है गंभीर है सीरियस है और वो श्राउड यानि कफन जो डेड बॉडी को अंगवस्त्र होता है जो उसको आखिरी वक़्त पहनाया जाता है उसको बुन रहा है इसके लिए बहुत ही पीसफुल है और उसका कलर जो है उसका कंपैरिजन जो किया गया है वो वाइट कलर का कंपैरिजन किया गया है क्लाउड के साथ या सफ़ेद परो या पंखों के साथ सो डियर स्टूडेंट आई होप यू एंजॉय दिस पोयम एंड आई अगेन टेल यू डू सब्सक्राइब टू ब्रिलियंट इंग्लिश अकेडमी यूट्यूब चैनल फॉर मोर रिसोर्सेस ऑफ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड प्यारे बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप जरूर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें और मैं इंतजार करूँगा आपके लाइक कॉमेंट्स और सब्सक्राइब का डियर स्टूडेंट इन नेक्स्ट एपिसोड हम देखने वाले हैं लाइव टीचिंग जिसमें हम इस पोएम पर इसके पोएटिक डिवाइस राइमिंग वर्ड्स राइमिंग स्कीम जैसे सिमिली है मेटाफर है एलिट्रेशं है इमेजरी है तो इस पर हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट हम पोएम के अप्रिसिएशन भी देखने वाले हैं तो डियर स्टूडेंट डोंट स्विच ऑफ दिस चैनल नाउ बिकॉज आपको ये पोएम कार्टून फॉर्म में देखने के लिए हमने यहाँ पर एक फिल्म बनाई है सो एंजॉय द फिल्म ऑन Indian weavers in cardin form. So thank you very much. This is Ahmed Khan signing off here. Thank you very much. Weavers, weaving at break of day. Why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of a halcyon wild, we weave the robes of a newborn child. Weavers, weaving at fall of night. Why do you weave a garment so bright? Like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage veils of a queen. Weavers weaving solemn and still, what do you weave in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. Hope you enjoyed it, and while summing up, you also. लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट टू माई चैनल ब्रिलियंट इंग्लिश अकेडमी हम आपके लिए ऐसे बहुत ही डिफरेंट से वीडियो लाते रहेंगे जो आपको इंक्रेज करेंगे और लॉकडाउन में या अनलॉक में आपकी स्टडी करते रहे आप